हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना पिज्जाज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक कंफ्यूजन मैं यहां पर दूर कर दूं। सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन आता है कि भैया हमें पिज्जा बनाना नहीं आता। सो इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको पिज्जा बनाना भी दिखाने वाला हूं कि आसान तरीका क्या है पिज्जाज को बनाने का और कितनी कैटेगरी के कितनी वैरायटी के पिज्जा आप रख सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से आप पिज्जाज में बहुत सारी कैटेगरी रख सकते हैं, बहुत सारी वेरियंट रख सकते हैं। एंड अगर आपको पिज्जा नहीं बनाना आता, आपको कुकिंग की कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। और आपको अगर नहीं भी बनाना आता पिज्जा, तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि आपको कैसे बनाना है। और मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीका बताऊंगा पिज्जाज को बनाने का कि भैया आपको देखिए सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है मार्केट में। पिज्ज़ा बेस भी आपको मिल जाता है, पिज्ज़ा सॉस भी आपको मिल जाती है, एंड उसके ऊपर जो आपको वेजिटेबल्स डालने होते हैं वो सब आपको मिल जाते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और क्या प्राइस आपको पड़ेगा इन सारी चीज़ों का वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिज्ज़ा बेस कितने का आपको मिलेगा और पिज्ज़ा सॉस आपको कहाँ से मिलेगी, साथ में आप कौन सी मेयोनीज़ को यूज़ करेंगे, चीज़ आपको कौन सा यूज़ करना है, इसके अलावा कौन सी मशीन्स आपको चाहिए होंगी, मशीन्स आपको गैस से ऑपरेट करने वाली चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिज्जा का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है इसको आप बहुत कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। आपको यहां पर यह बिल्कुल भी नहीं सोचना, अपने दिमाग में यह बिल्कुल भी नहीं लाना है कि अगर आपको एक पिज्जा का बिजनेस शुरू करना है तो आपको लाखों रुपए चाहिए, आपको फुल फ्लेज रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप सब मैक्सिमम लोग जानते होंगे जलंधर का जो वायरल कपल है, वो एक छोटे से कार्ट में पिज्जा के बिजनेस को करते हैं, मतलब पिज्जाज बेचते हैं, बर्गर सैंडविचेस, गार्लिक ब्रेड और भी बहुत कुछ बेचते हैं, बट उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो कुल्लड़ पिज्जा है। इसी तरीके से आइडली उन्होंने एक छोटे से कार्ट में एक ओवन इंस्टॉल कर रखा है और वहां पर वो पिज्जा बनाते हैं। तो आप भी इस तरीके से छोटे से कार्ट में अपने पिज्जाज के बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके प्रोडक्ट अच्छा हुआ और आपकी बातचीत में वो दम हुई, आपकी मार्केटिंग में वो अच्छी बात हुई, तो डेफिनेटली आप भी जलंधर के वायरल कपल की तरह फेमस हो जाएंगे और बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। सो ये जो परसेप्शन है ना आप लोगों का कि भैया लाखों रुपए चाहिए होते हैं पिज्जा के बिजनेस को शुरू करने के लिए, ये यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आप कम पूंजी लगाकर एक पिज्जा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं छोटे से कार्ट में या फिर फूड ट्रक में, आज हम इन दोनों पर बात करने वाले हैं, तो कार्ट में और फूड ट्रक में अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मशीन्स आपको कौन सी लेनी है, साथ ही में पिज्जा की मेकिंग आपको कैसे करनी है, पिज्जा के साथ आप और कौन कौन सी वैरायटी रख सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगने वाला है, एंड एक पिज्जा को बनाने के लिए और जो मशीन आपकी लगेंगी उनका प्राइस क्या पड़ने वाला है, सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताऊंगा। इनफैक्ट जब मैं वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि पिज्जा को आपको कैसे बनाना है, आपको सारे कंफ्यूजन उसी में दूर हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है पिज्जाज के बिजनेस के बारे में। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से कि भाई वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अंत तक आप देख लो उसके बाद अगर आपको पसंद आती तो प्लीज लाइक करेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। देखिए, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है संगीता दे, उन्होंने जमशेदपुर में अपना एक चाय का कैफे शुरू किया है। नॉट ओनली चाय, वो बहुत सारी वैरायटी के फूड में डील करती हैं, उनके पास काफ़ी मतलब वैरायटी है फूड्स की। वो पिज्ज़ा में भी डील करती हैं, बर्गर्स में भी डील करती हैं, इसके अलावा वो फ्रेंच फ्राइज़ हैं उनके पास, सैंडविचेस हैं और भी बहुत मतलब इसके अलावा ड्रिंक्स में भी, शेक्स में भी, अब उन्होंने शेक्स भी बनाना शुरू करे, तो मतलब मल्टीपल वैरायटी है, ह्यूज कैटेगरी में वो डील कर रही हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। इनफैक्ट दोस्तों, अब उनके पास बर्थडे पार्टी के भी ऑर्डर्स आने लग गए हैं। सो उन्होंने मेरे को खैर इनवाइट किया था। उनका जो कैफे है वो जमशेदपुर में है एंड जमशेदपुर इज अराउंड मतलब बहुत ज़्यादा दूर है मेरे यहाँ से, तो मैं जा तो नहीं पाया बट मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। और मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेरे सब्सक्राइबर अपने चाय के कैफे या अपना किसी भी तरीके का फूड बिजनेस शुरू करते हैं मेरी किसी वीडियो को देखकर, मुझसे अभी थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर, तो मैं उनको कोशिश करूंगा कि उनके आउटलेट पे विजिट करके मतलब लाइव उनसे बात करूं, उनका मोटिवेशन बढ़ाऊं और थोड़ा सा उनको और भी चीज़ें मतलब उनका देखने के बाद एरिया एंड लेआउट एंड जो भी चीज़ है तो उनको मैं कुछ एक चीज़ें बता पाऊं वहां पर जाकर। अगर मैं ये नहीं कर पाया और बहुत दूर हुआ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी हुआ, तो हम उनको डेफिनेटली अपनी वीडियो में भी फीचर करेंगे। ये हम नया काम कर रहे हैं ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले। सो जो भी मेरे भाई जमशेदपुर से हैं वो मैम के कैफे में जा सकते हैं, संगीता दे मैम का नाम है और उनका जो कैफे का नाम है द हॉट सिप्स, तो प्लीज़ आप विजिट करिए और उनको सपोर्ट करिए और उनको मोटिवेट करिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में। देखिए, अगर आपको पिज्जा का बिजनेस शुरू करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ होती है आपको पिज्जा बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पर पिज्जा बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बहुत आराम से बना सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप हर कई जगह पर विजिट करते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि पिज्जा का स्टाइल, पिज्जा की मेकिंग हर जगह अलग अलग होती है। आप अगर कहीं से सीख भी लेंगे तब भी आप अपनी इनोवेशन करने के बाद पिज्जा में बहुत सारी वैरायटी रख सकते हैं और बहुत एक यूनिक फ्लेवर ला सकते हैं। और
अगेन दोस्तों, जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियो में बर्गर्स के बिजनेस को मैं बता चुका था, बर्गर के बिजनेस के बारे में, कि वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन मांगता है बर्गर्स का बिजनेस, तो पिज्जा के बिजनेस में भी सेम है। जितने ज्यादा आप इनोवेटिव होगे, उतने ज्यादा कैटेगरी, उतने ज्यादा वेरिएंट आप पिज्जा में बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं उसको और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि आसानी से आपको पिज्जा कैसे बनाना, उससे पहले मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे काफी सारी चीजें दिखाने वाला हूं, मतलब जो वीडियो क्लिप्स में मैं आपको पिज्जा बनाते टाइम जो जो चीजें आएंगी, जो जो मेयोनीज आएंगे, जो जो सॉस आएंगे, जो जो चीज आएंगी, जो जो मशीन्स आएंगी, उन सबके प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा कि वो मशीन कैसे काम करती है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। बट उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं उस पर बात कर लेता हूं। देखिए, पिज्जा का मैं बेस भी आपको बताऊंगा कि पिज्जा का बेस आपको कितने का मिलता है। बेस आपको मिल जाएगा 8 इंच का, 12 इंच का, अलग अलग इंचेस में पिज्जा के बेस आते हैं। बट आपको रेडीमेड पिज्जा का बेस नहीं लेना, इसको अवॉइड करना है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पिज्जा के रेडीमेड बेस होते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं क्योंकि वो फ्रोजन स्टेज में आते हैं, फिर उनको आप जब कुक करते हैं तो मतलब फ्रेश टेस्ट नहीं आता उनमें। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको देता हूँ। पिज्जा के दो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल चेन है इंडिया में, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है जब भी हमारे दिमाग में पिज्जा आता है तो हमारे दिमाग में दो ही कंपनीज आती हैं। उन दोनों कंपनीज में से एक कंपनी है जो फ्रेश जो पिज्जा बेस होती है वो बनाती है, और एक कंपनी फ्रोजन पिज्जा बेस को यूज करती है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो फ्रोजन पिज्जा बेस को यूज करती है उनकी सेल धीरे धीरे डाउन हो रही है, मतलब उतना मतलब अच्छा टेस्ट उनके पिज्जा में नहीं आता है। एंड जो फ्रेश पिज्जा का जो बेस है उसको बनाते हैं, उनकी सेल डेफिनेटली बढ़ रही है और इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको पता है मैं किन कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं, उनके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा कि आप सही हैं या गलत। लेकिन मैं आपको यहां पर सिर्फ इतनी चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आप पिज्जा का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ भी रेडीमेड ले लीजिए, लेकिन आपको जो बेस है वो खुद बनाना है। यहां पर मैं वीडियो में आपको एक चीज बता दूं, बेस को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पिज्जा का बेस बनाना बहुत ज्यादा आसान है। एक शॉर्ट पार्ट में मैं आपको बता दूं, देखिए आपको पिज्जा बेस बनाने के लिए मैदा चाहिए होता है, मैदे में आपको थोड़ा सा ऑयल मिलाना होता है, हल्का सा सॉल्ट ऐड करना होता है, हल्का सा शुगर ऐड करना होता है और ड्राई ईस्ट ऐड करना होता है। अब देखिए, ईस्ट जो होता है वो इस डो को फुलाता है, तो ड्राई ईस्ट और एक होता है एक्टिव ड्राई ईस्ट, इन दोनों में फर्क होता है। तो जब आप ईस्ट खरीद रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ड्राई ईस्ट ले रहे हैं या एक्टिव ड्राई ईस्ट ले रहे हैं। अब अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट ले रहे हैं तो उसको डायरेक्टली आप मैदे में मिलाकर मैदे को गूंद लेंगे, लेकिन अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट के बजाय नहीं ले रहे हैं और आप सिर्फ ड्राई ईस्ट ले रहे हैं तो आपको वहां पर उसको एक्टिव करना पड़ता है बेसिकली। तो उस ड्राई ईस्ट को एक्टिव करने के लिए आपको उसको गुनगुने पानी में हल्का सा चीनी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ना होता है और आपका जो ईस्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है उसका। तो उसके बाद आपको उसको मैदे में ऐड करने के बाद उसको मैदे को गूंदना होता है और आपका जो पिज्जा बेस होता है उसका डो तैयार हो जाता है, उसका तो उसकी लोई बनाकर आपको उसको बेलना होता है। वेरी सिंपल प्रोसेस है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि भैया पिज्जा बनाना कैसा है, ये बताइए। तो मैं बहुत आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको पिज्जा बनाना कैसा है। आप सबसे पहले हम बात करते हैं वेज सुप्रीम आप बोल लीजिए, चाहे आप वेज लोडेड बोल लीजिए, चाहे आप वेज डिलक्स बोल लीजिए, या फिर आप राहुल शर्मा स्पेशल पिज्जा बोल लीजिए, मतलब आपका जो भी कैफे है जिस भी नाम से आप उसका एक स्पेशल, मतलब अपने कैफे के नाम का स्पेशल रख सकते हैं। और उसमें देखिए आपको ना मतलब फुल ऑन लोडेड पिज्जा होता है वो। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं क्या करना होता है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसके आपको चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डो बना लिया तो डो को आपको इस तरीके से बेलना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते ये काम तो आप रेडीमेड डो भी ले सकते हैं, आगे आपको सबका प्राइस पता चलेगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो पिज्जा सॉस है वो लगानी है पैन में डालने के बाद, और पिज्जा सॉस लगाने के बाद उसमें आपको मोजरेला चीज डालना है। लेकिन नॉर्मल चीज नहीं, मोजरेला चीज एक ऐसा चीज होता है जिसको मतलब जब पिज्जा की स्लाइस उठाते हैं तो तार तार निकलते हैं ना, तो वो मोजरेला चीज होता है। तो आपको मोजरेला चीज डालना है। उसके बाद आप जो वेजिटेबल्स डालना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर अनियन डाल दिया है, इसके अलावा कैप्सिकम डाल दिया, सो अनियन और कैप्सिकम को लंबा लंबा काटना है, और जो टमाटर है उसको क्यूब्स में काटना है, और जो पनीर है उसको भी क्यूब्स में काटना है और इसको लगा देना है इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉर्न्स डालने हैं, साथ में मशरूम डाल सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स डाल सकते हो, साथ ही में आपको यहाँ पर रेड पेपरिका डालना है। इन सबका प्राइस दिखाऊंगा मैं, रेड पेपरिका का, ब्लैक ऑलिव्स का, कौन कौन सी कंपनी के आप ले सकते हो। तो यहाँ पर इसके अलावा आप डाल सकते हो एलेपिनोज, और साथ में आप थोड़ा सा ओरिगैनो डालने के बाद इसको बेक करेंगे। जो बेकिंग टेम्परेचर होता है ना ओवन का, वो 260 से 270 डिग्री फारेनहाइट रखना होता है, और उसके बाद इसको कट करना और सर्व करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको समझ में आया होगा कि पिज्जा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट ये जितनी भी चीजें यहाँ पर यूज हुई हैं वो सब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, उनका प्राइस भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, देखिए मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि जो पिज्जा के आउटलेट्स होते हैं वहां पर लोग पिज्जा को बहुत
अच्छे से इंजॉय करते हैं, बट पिज्जा के जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब पिज्जा बेस के जो कॉर्नर होते हैं वो छोड़ देते हैं। उसके पीछे रीजन ही होता है कि वो कॉर्नर पहली बात तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, एंड उसके अलावा उसमें ना ही मतलब इतने अच्छे से चीज लगा होता है, ना ही उसमें इतने अच्छे से मेयोनीज होती है। जो अंदर का पार्ट होता है उसमें तो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट जो बेस होता है मतलब बेस के जो कॉर्नर होते हैं वो ज्यादा मतलब टेस्टलेस होते हैं, तो वहां पर और ड्राई होने की वजह से लोग उसको छोड़ देते हैं कॉर्नर्स को। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आप उसके कॉर्नर्स पे बटर लगा सकते हैं ताकि उनका उन्हें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। एंड देखो, जो नहीं कर रहा कोई और वो आपको करना है, मतलब कुछ लोग तो डेफिनेटली करते हैं, बट मैं मैक्सिमम बड़े बड़े ब्रांड्स को जानता हूँ ये जो ये काम नहीं करते हैं, उनका जो पिज्जे के कॉर्नर्स होते हैं बेस के वो ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके पिज्जा के कॉर्नर को छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा काम मत करो, आप कोशिश करो कि पिज्जा के कॉर्नर्स में आप जो बेस का कॉर्नर है वहां पर आप बटर लगा दो ताकि लोग उसको भी खाएं। दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया कि वेज पिज्जा कैसे बनाना है, आप उसको वेज सुप्रीम बोलिए, वेज डिलक्स बोलिए या शेफ स्पेशल बोलिए, आपका एक पिज्जा ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं नॉन वेज पिज्जा आपको कैसे बनाना है। अब तंदूरी चिकन पिज्जा हम बता देते हैं। देखिए, आपको मैं तीन चार पिज्जा बता दे रहा हूं, आपको शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में दिखा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि आप जितने इनोवेटिव हो गए, आप ना बहुत ज्यादा कुछ इसमें कर सकते हो मेयोनीज एंड सॉसेस को यूज करके, तो अलग अलग वैरायटी के पिज्जा आप रख सकते हो। बट आइडियली आपको तीन से चार पिज्जा भी अगर आ गए समझ में अच्छे से, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके धीरे 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 अपने मेन्यू प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हो। बट अब मैं आपको तंदूरी चिकन पिज्जा बनाना सिखा देता हूं। देखिए, वो भी बहुत सिंपल है, जो सेम प्रोसेस आपने फॉलो किया था पहले, मतलब वेज डिलाइट वेज सुप्रीम पिज्जा को बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बट यहां पर आपको क्या नहीं डालना है, सिर्फ पनीर नहीं डालना है, उसके बदले में आपको तंदूरी चिकन डालना है। वीडियो में देखिए, तंदूरी चिकन पिज्जा बनाने के लिए आपको तंदूरी सॉस डालना है, आपको पिज्जा सॉस नहीं डालना है, और तंदूरी सॉस को आपको अच्छे से लगा लेना है। इसके अलावा आपको मोजरेला चीज उसमें लगाना है, और उसके अलावा मोजरेला चीज डालने के बाद आपको उसमें सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, आपने अनियन डाल देना है, कैप्सिकम डाल देना है, इसके अलावा आप इसमें टोमेटो डाल देंगे। बस यहाँ पर आपको पनीर नहीं डालना है, वरना तो वेज पिज्जा हो जाएगा। तो रेड पेपरिका डालने के बाद यहाँ पर आपको डालना है तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन के लिए आप तंदूर मत लगाइए, आपको क्या करना है, आपको बस तंदूरी मसाला लेना है और उसमें आपको चिकन के पीसेस को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद आपको पिज्जा के ऊपर रख देना है। सो आपका ये जो तंदूरी चिकन का फ्लेवर है ना, तंदूरी चिकन का ये जो मसाला आपने ऐड किया, इससे तंदूरी चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद उसको बेक करने के बाद आप इसको कट करेंगे और सर्व करेंगे। मैं अगेन बता दे रहा हूँ, जो ओवन का टेम्परेचर है वो 260 से 270 रखता है। सो अब सबसे बड़ा जो पिज्जा बिजनेस में सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है, वो होता है 49 रुपीज़ का पिज्जा। इनफैक्ट दोस्तों, हर बड़ी कंपनी का एक बेस प्रोडक्ट होता है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है, जो कस्टमर को खींच कर लाता है। अगर आप बात करो तो मैकडॉनल्ड्स की, तो वहाँ पर आलू टिक्की बर्गर है। अब KFC में बहुत टाइम से विजिट नहीं कर रहा हूँ, तो बट KFC में पोटैटो जिंगर बर्गर है, जो पहले 30 रुपीज़ का आता था, फिर टैक्स लगा के 32 का पड़ता था, आज के डेट में वो 42 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। बट वो बेस प्रोडक्ट है, मतलब वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बड़े ब्रांड का एक मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, लोग उसको देख कर आते हैं। और फिर डेफिनेटली जब कोई फैमिली के साथ आ रहा है, तो हर बार आलू टिक्की बर्गर नहीं खाएगा, पोटैटो जिंगर नहीं खाएगा, और हर बार डोमिनोज में जाके पिज्ज़ा मेनिया नहीं खाएगा, जो कि स्टार्ट होता है 49 रुपीज़ से। बट आपको अपने हर फूड बिजनेस में एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर रखना चाहिए जिसमें आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे और आपके जो शॉप है वहाँ पर कस्टमर के मतलब आए, कस्टमर का फुटफॉल बढ़े। सो इसलिए पिज्ज़ा में डेफिनेटली पिज्ज़ा बिजनेस में भी 49 रुपीज़ से पिज्ज़ा को स्टार्ट करना, आपको डेफिनेटली ये काम करना है। सो 49 रुपीज़ का जो पिज़्ज़ा होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डालने, मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूं ताकि आप इजीली समझ पाएं। अब 49 रुपीस में आपको चीज एंड कॉर्न पिज्जा बनाना है। सो यहां पर आपको बेचना 49 में, तो आपको मार्जिन भी अपना निकालना पड़ेगा। तो यहां पर सिर्फ आपको पिज्जा बेस में पिज्जा सॉस लगानी है। पिज्जा सॉस के बाद यहां पर आपको लिक्विड चीज ऐड करना है। देखो, मैक्सिमम जगह पर जो 49 रुपीज का पिज्जा होता है, मतलब स्टार्टिंग पिज्जा होता है, उसमें मोजरेला चीज कोई नहीं डालता है, लिक्विड चीज सब लोग डालते हैं। बट आप थोड़ा सा ये मोजरेला चीज भी डाल दो ताकि टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, और 49 रुपीस का जो पिज्जा है उसकी सेल भी डेफिनेटली आपको बढ़े। तो मोजरेला चीज डालने के बाद उसमें आप सीधा कॉर्न डाल दो, और कुछ भी आपको इसमें नहीं डालना है। आइडियली आपको सिर्फ 49 का बेचना है, तो बहुत ज्यादा वेजीज आप नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद उसको बेक करके आप उसको कट करके सर्व कर देंगे। सो सिंपल सा प्रोसेस है, आपका इसमें मार्जिन में निकल जाएगा, और हाईएस्ट सेलिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा बिकेगा, तो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, अगर आप पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पिज्जा के बिजनेस के साथ साथ और भी कुछ एक वैरायटी रख सकते हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज आपको रखनी ही रखनी है। एंड अगर आपका फूड ट्रक है जहां पर आपने रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, या फिर आपका कोई कार्ट है जहां पर आप आइस बॉक्स यूज करते हैं, तो आप ड्रिंक्स भी रखिए ताकि आप उसको मील में कन्वर्ट कर सकें। यानी कि आपने एक
पिज्जा दे दिया, उसके साथ में आपने गार्लिक ब्रेड दे दिया और साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक दे दी, या फिर गार्लिक ब्रेड को कस्टमर स्विच कर सकता है फ्रेंच फ्राइज से। सो ये ऑप्शंस होने चाहिए कस्टमर के पास ताकि कस्टमर अपनी मनपसंद के प्रोडक्ट को एंजॉय कर सके एंड वैरायटीज को इंक्रीज करिए। आप पिज्जा रख सकते हैं, आप सैंडविच रख सकते हैं, बर्गर्स रख सकते हैं, आप कॉफी रख सकते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड एंड इसके अलावा काफी ज्यादा फास्ट फूड होते हैं जिनको आप रख सकते हैं ताकि आपकी जो सेल है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि बर्गर के बिजनेस में फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अगर आप पिज्जा का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पिज्जा का बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गार्लिक ब्रेड्स रखने ही हैं। बट दोस्तों, मैंने काफ़ी जगह के गार्लिक ब्रेड्स ट्राई करें, इनफैक्ट मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो पिज्ज़ा कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके भी पिज्ज़ा को ट्राई किया है, बट मुझे कुछ खास गार्लिक ब्रेड पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड ट्राई करा था किसी के यहाँ पर और वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट दोस्तों, उसके बाद मैंने बहुत जगह पर ढूंढा, काफ़ी जगहों पर तो ये स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड नहीं मिलता है, नॉर्मल गार्लिक ब्रेड होते हैं जो कि मुझे थोड़े सूखे सूखे लगते हैं, मुझे पसंद नहीं आते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड कैसे बनाना है ताकि आप भी उसको रख पाएं। इसमें दोस्तों मार्जिन अच्छा होता है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है एंड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो फटाफट से एक छोटे से वीडियो क्लिप में मैं आपको दिखाता हूँ आपको स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड कैसे बनाना है। अब गार्लिक ब्रेड में सबसे पहले आप लगाओगे चीज एंड गार्लिक सॉस। अब यहाँ पर पिज्जा सॉस नहीं लगाना है आपको, इसके अलावा आपको कोई भी तंदूरी सॉस नहीं लगानी है, आपको चीज एंड गार्लिक सॉस लगाना है, चीज एंड गार्लिक डिप। इसके अलावा यहाँ पर आपको डालना है लिक्विड चीज। अब जैसे डोमिनोज में वेज पार्सल होता है ना, उसकी तरह इसको बनाना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने कॉर्न ऐड कर लिया है, आप चाहो तो पनीर भी ऐड कर सकते हो, मतलब पनीर स्टफ्ड गार्लिक आप रख सकते हो गार्लिक ब्रेड। इसके अलावा आपने एलेपिनोज डाल दिए, मोजरेला चीज डाल दिया और यहाँ पर इसको बंद कर दिया। आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके के गार्लिक ब्रेड भी रख सकते हो, तो वहां पर आप अगर पनीर का रखते हो या नॉनवेज गार्लिक ब्रेड रखते हो तो आपने तंदूरी चिकन उसमें ऐड करना है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, बाकी आप बहुत शार्प है इतना मुझे पता है। उसके बाद इसको बेक करना है और कट करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर इसमें लगा देंगे ताकि ड्राइनेस इसकी खत्म हो जाए, और अगर आप चाहो तो ऊपर से भी आप इसमें जो चीज है उसको गार्निश कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी वीडियो क्लिप्स आपने देखे हैं इनमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी, काफ़ी मशीन्स आपने देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपने देखे हैं, रॉ मटेरियल देखा है। अब टाइम आ गया उनको दिखाने का, उनके प्राइजेस को बताने का। तो जल्दी जल्दी हम वो सारे प्रोडक्ट्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको इजिली आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना का पड़ने वाली हर चीज। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिज्जा कार्ट हो या पिज्जा फूड ट्रक खोल रहे हैं, मोस्टली यही सब चीजें यूज की जाती है। सबसे पहला है मोजरेला चीज, उसके बाद है वीबा का या किसी भी तरीके का आप पिज्जा सॉस यूज करेंगे, और साथ में आपको काउंटर सजाना है जिसमें आप अपनी जितनी वेजीज डालना चाहते हैं पिज्जा में वो सब डालेंगे, जैसे पनीर हो गया, टमाटर हो गया और कॉर्न रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले डाला हुआ है पिज्जा सॉस जो कि ये वीबा का यूज कर रहे हैं। आप किसी और भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, सारी कंपनीज में आपको दिखाऊंगा। इस तरीके का आपको ओवन चाहिए होगा और साथ में आप इस तरीके की जो पिज्जा का डो बनाने वाली, मतलब गूंदने वाली जो मशीन है वो ले सकते हैं, मतलब डो नीडिंग मशीन। तो ये भी दोस्तों 8,000 से 12,000 के आसपास में आपको मिल जाएगी, अच्छी केजीज के हिसाब से आती है। अगर 5 केजी की लेंगे वो सस्ती मिलेगी, 10 केजी की लेंगे थोड़ी महंगी मिलेगी, 20 किलो की लेंगे वो और महंगी मिलेगी। और उसके बाद देखिए, अगर आपको कार्ट में करना है तो आप कार्ट बनवा लीजिए, अगर आपको ई रिक्शा में करना है तो आप ई रिक्शा ले लीजिए, और अगर आप ट्राई साइकिल में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का रिक्शे में भी अपना जो ओवन है वो लगा सकते हैं, और अगर आप इस तरीके का स्टेनलेस स्टील का काउंटर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं और इसमें भी ओवन लगा सकते हैं। इस तरीके के ओवन आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग रेट में, 90,000 का, 56 का, 34 का। और ये जो ओवन है दोस्तों, ये साइजेस के हिसाब से आते हैं एंड अपने फंक्शन के हिसाब से। देखिए, जो फर्स्ट ओवन है जो 90,000 का है वो कन्वेयर है, अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसको आप गैस से भी चला सकते हैं, बिजली से भी चला सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है 56,000 का, वो सेमी ऑटोमेटिक है और इसको सिर्फ आप गैस से चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गैस वाले और बिजली से चलाने वाले ओवन मिल जाएंगे, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा सही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको चाहिए होगा पिज्जा बेस, अगर आप बनाना नहीं चाहते तो आपको अलग अलग रेट के पिज्जा बेस मिल जाएंगे, और उस पिज्जा बेस पे आपको इस तरीके का जो पिज्जा सॉस है वो लगाना होगा। और ये पिज्जा सॉस भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्राइजेस में आते हैं, बट मोस्टली जो कार्ट वगैरह यूज करते हैं वो वीबा का करते हैं, आप भी वीबा का यूज कर सकते हैं, वरना बहुत कंपनीज बनाती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सबका रेट अलग अलग होता है क्वालिटी के हिसाब से। इसके अलावा आपको भैया मोजरेला चीज चाहिए होगा, मोजरेला चीज भी अलग अलग कंपनीज का आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके अलावा जो डिप मैंने आपको दिखाई थी वो चिली गार्लिक डिप हो गया, इसके अलावा चीज एलापिनो डिप हो गया, तो इस तरीके से आप डिप्स ले सकते हैं जो कि आपके गार्लिक ब्रेड वगैरह बनाने में और अलग अलग चीज की सर्विंग में भी काम आएंगे। इसके अलावा आपको ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स चाहिए होंगे, साथ में आपको रेड पेपरिका और साथ में आपको एलापिनोस चाहिए होंगे, तो आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज के बॉक्सेस हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, क्वालिटी के हिसाब से प्राइजेस वेरी करेगा, तो आप वो देख लीजिए। इसके अलावा आपको सर्विंग के टाइम पे ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे, सो वो भी आप सैशे जरूर ले लो, एंड साथ में भैया आपको टोमेटो केचप जरूर देना है सैशे, और साथ में आप माउथ फ्रेशनर के भी सैशे जरूर खरीद लो। ये छोटे छोटे
छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको इस तरीके का पिज्जा कटर चाहिए होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही और नए नए बिजनेसेस के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद या कहीं से भी इंस्पायर होकर, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अगर इनवाइट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपके पास पहुंचने की। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हुए या फिर मेरा शेड्यूल बिजी बहुत हुआ तो अगर मैं नहीं आ पाया तो डेफिनेटली हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे, ताकि हम आपके बारे में लोगों को बता सकें। एंड इनफैक्ट आपके सिटी में जो लोग हों, कम से कम वो तो आपके पास विजिट करें और आपकी थोड़ी सी सेल को भी बढ़ाएं और आपको थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दे पाएं हम यहीं से। बट कोशिश करेंगे कि आपके पास जरूर आए अगर आप इनवाइट करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.